नमस्कार, आप देख रहे हैं अच्छी खास बात अपने दोस्त वीर सिंह के साथ। दोस्तों, विदर्भ में चंद्रपुर, यवतमाल और नागपुर, इन तीनों जगहों पे कोयला सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है और कोयला अच्छे ग्रेड की भी मिलती है। लेकिन एक नया खुलासा सामने आया कि केपीसीएल वेकोलिवो एनएम ग्लोबल, ये चंद्रपुर की बात है, एनएम ग्लोबल का कोयले में बड़ा हेराफेरी सामने आ रही है। बिजली उत्पादन में सबसे बड़े संसाधनों में से एक संसाधन कोयले को माना जाता है और महाराष्ट्र में विदर्भ के नागपुर, चंद्रपुर और यवतमाल जैसे जिलों में कोयला भारी मात्रा में उपलब्ध भी है। यह क्षेत्र भारत सरकार के अधीन में आते हैं जो कि वेकोली अंतर्गत आते हैं। खास बात तो यह है कि विदर्भ में अच्छे गुणवत्ता की कोयला उपलब्ध है, यहाँ के अच्छे कोयले यहाँ से निकलते हैं और इन दिनों केपीसीएल पावर प्लांट जो कि कर्नाटका में है, कोयले की पूर्ति चंद्रपुर और यवतमाल जिले से यहां से भी इनकी पूर्ति की जाती है। यहां से रोड कम रेलवे, जिसे आरसीआर माध्यम से रेलवे साइडिंग द्वारा कोयले भरकर केपीसीएल कर्नाटक को कोयले की पूर्ति की जाती है, जबकि वेकुली डब्ल्यूसीएल के खदानों द्वारा कोयला सीधे रेलवे साइडिंग पे आनी चाहिए, जबकि ऐसा ना करके कोयला वाशरी व खुले प्लॉट पे लाए जाते हैं। यहां से उच्चतम स्तर का कोयला अलग निकाला जाता है और इसे खुले बाजार में बेच दिया जाता है और इसके बदले में इसमें मिलावट के रूप में निचले स्तर का खराब मटेरियल, जैसे कि चारकोल हो, डोलोचार हो, काला पत्थर हो या फिर ब्लैक डस्ट इत्यादि, उसमें मिलाया जाता है और केपीसीएल पावर प्लांट को ऐसा भेज दिया जाता है। जो परिस्थिति सामने दिखाई दे रही है उससे ठोस जानकारी यह मिलती है कि केपीसीएल के जो वरिष्ठ अधिकारी और वरिष्ठ अभियंता इंजीनियर तथा एनएम ग्लोबल चंद्रपुर की मिलीभगत से सैकड़ों करोड़ रुपए कोयले की हेराफेरी की जाती है। मामला यह है कि सूत्र जो हमारे पास ठोस सूत्र है उसके अनुसार देखा जाए तो खदान से उच्च दर्जे का कोयला वहां से निकाला जाता है, लेकिन एनएम ग्लोबल द्वारा मिलावटी यानी कि मिक्सिंग की जाती है। इस वजह से केपीसीएल को जिस ग्रेड का कोयला जाना चाहिए उस ग्रेड का कोयला उन्हें प्राप्त नहीं हो पाता, वहां मिल नहीं पाता। जानकारी यह भी है कि केपीसीएल पावर प्लांट के सक्षम और वरिष्ठ अभियंता की मिलीभगत से यह घटिया और मिलावटी किया हुआ कोयला केपीसीएल में खाली करवाने की अनुमति भी दी जाती है। यहाँ के वहां के लोग भी जुड़े हुए हैं इस संबंध में, जो वहां के समाज सेवक है उनके बीच में चर्चा है कि इस पे एक सीबीआई जांच होनी चाहिए और इस जांच में अनेक अहम खुलासे होंगे, क्योंकि एक बड़े मात्रा में सरकारी संपत्ति को लूटने का काम एनएम ग्लोबल और संबंधित इसके साथ में जितने भी लोग, केपीसीएल हो या फिर वेकोली हो, डब्ल्यूसीएल हो, इन सबके लोग यहाँ पे मिले नजर आ सकते हैं। हम इस संबंधित अहम खुलासे फिर करने वाले हैं, आप देखते रहे, हमारे साथ बने रहे। आज की खास बात अपने दोस्त वीर सिंह के साथ सिर्फ एनबीसीएन न्यूज पे। जय हिंद।